हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप, माशाल्लाह आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के बारे में। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मोहसिन भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, नहीं हो गया है। तो गाइस, मेरा चैनल जो है वो अब से 4-5 महीने पहले ही मोनेटाइज हो चुका है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मोहसिन भाई आपके पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। जी भाई, मेरे पैसे यूट्यूब से आ रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो किस तरीके से डालें, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, किसी के व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, आप सुबह सुबह 8-9-10 इस टाइम वीडियो डालें और शाम के टाइम 6-7-8 इस टाइम वीडियो डालें। और वीडियो अपलोड करने से पहले आप उसमें थोड़ा टाइटल का थोड़ा ध्यान रखें और थंबनेल का भी ध्यान रखें। एक ही वीडियो को बार बार अपलोड ना करें। आप कहते हैं कि मोहसिन भाई आप तो एक ही जैसी वीडियो डालते हो। तो भाई, मैं एक जैसी वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करता रहता हूँ। मान लो जैसे मैंने मेरी नॉर्मल वीडियो बननी, उसके अंदर मैं छोटी सी अपनी क्लिप लगा देता हूँ साइड में, जिससे वीडियो पूरी चेंजिंग हो जाती है। अगर 1 सेकंड भी चेंज होती है वीडियो में, तो ये समझ लीजिए पूरी वीडियो चेंज हो जाती है। दुआ है आपकी माशाल्लाह। आप मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। और जो कोई भी दिक्कत हो आपको यूट्यूब में, यानी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा बैठा है। आप कभी भी एक बार मैसेज करके देखिए, हमारा भाई तुम्हें हर चीज़ का रिप्लाई देगा। मैं और अदर यूज़र की तरह नहीं हूँ। तो गाइज, प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें, मुझे अपने भाई जैसा बनाएं और थोड़ा आगे पहुँचाएँ कि तुम्हारा भाई है। और बहुत से लोगों के माइंड में ये भी बात रहती है कि हम वीडियो बार बार डालते रहते हैं, हमारी वीडियो में व्यूज़ नहीं आते। तो मेरे भाई, शुरू में जो मेरी अपनी खुद की वीडियो थी, उन वीडियो पर भी व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे। और तुम्हारे भाई ने कभी हार नहीं मानी। अगर आपकी वीडियो पे आज व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आप 2 दिन बाद वीडियो डाल सकते हैं। सपोज अगर 2 दिन बाद नहीं आ सकते हैं, तो आप 4 दिन बाद वीडियो डालें। लेकिन हार मत माने। ये नहीं कि हमारी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमने वीडियो बनानी छोड़ दी या इस तरीके से छोड़ दी। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता है। खाली परेशानी आती है वीडियो में हर किसी के, मेरी भी अपनी में भी आई हैं और औरों के में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाइस वीडियो बनाना बंद कर दें। हार मत मानिए, नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माननी चाहिए हर वीडियो में। और मैं आपसे बताऊं, वीडियो का थोड़ा ध्यान रखें। ये नहीं कि कैसी वीडियो को सबसे पहले एडिटिंग करना सीखें काइन मास्टर से। ये एप्लीकेशन है काइन मास्टर में, जिसमें तुम्हारा भाई भी एडिटिंग करता है वीडियो। थोड़े बहुत जिस तरीके से भी होते हैं वो मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से, और आपकी दुआ से मेरी भी हर वीडियो चल जाती है माशाल्लाह। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो दिल से बनाएं वीडियो और अपने चैनल पर थोड़ा फोकस करें। फालतू की बातों पर थोड़ा ध्यान ना दें। अगर आप ये सोचते हो कि वीडियो बनाएं, तो वीडियो बनाने का भी थोड़ा टाइम रखें कि आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है, क्या टाइम आपको रखना है, क्या टाइम आपको नहीं रखना है। और जो भाई हमारे इस्लामिक चैनल में वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान रखें जो ट्रेंडिंग इस्लामिक चल रहे हैं वीडियो, उन वीडियो पर थोड़ा फोकस करें। नात हुए, कलम है और काफ़ी सारी चीज़ हैं, इन वीडियो पर थोड़ा फोकस करें। माशाल्लाह सबकी वीडियो बेहतरीन चलेगी और धुएँ काट देगी यूट्यूब।